नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे डब्रोवनिक क्रोएशिया एड्रियाटिक का मोती। डब्रोवनिक दक्षिण में एड्रियाटिक सागर पर एक क्रोएशियाई शहर है। यह अपने असामान्य पुराने शहर के लिए प्रसिद्ध है, जो 16वीं शताब्दी में बनी ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। बरोक सेंट ब्लेस चर्च, पुनर्जागरण स्पोंजा पैलेस और गॉथिक रेक्टर पैलेस, जो अब एक इतिहास संग्रहालय है, अच्छी तरह से संरक्षित संरचनाओं में से हैं। पैदल यात्री स्ट्रॉडन या प्लाकर दुकानों और रेस्टोरा से घिरा हुआ है और चूना पत्थर से पक्का है। चाहे आप पहली बार डब्रोवनिक जा रहे हो या 100वें, पुराने शहर की भव्यता विस्मय को प्रेरित करने में कभी विफल नहीं होती है। शहर के चूना पत्थर के रास्ते, बारोक महलों और एड्रियाटिक की अंतहीन चमक से थके हुए किसी की कल्पना करना मुश्किल है। यह ऐतिहासिक शहर की दीवारों के साथ टहलने से प्रेरित होने में असफल रहा है, जिसने सदियों से एक परिष्कृत गणराज्य की राजधानी की रक्षा की है। इस तथ्य के बावजूद कि 1991 में डब्रोवनिक की गोलाबारी ने दुनिया को झकझोर दिया था, शहर ने एक बार फिर आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए जोश के साथ वापसी की है। केबल कार को माउंट सीनियर तक ले जाएं, अपने आप को ऊपर और नीचे की संकरी गलियों में चढ़ते हुए थके, फिर नीला समुद्र में उतरें। पुराने पत्थर की इमारतों पर प्रकाश की परस्पर क्रिया पर चमत्कार कला और कलाकृतियों से भरे संग्रहालयों में डब्रोवनिक के अतीत की चोटियों और कुंडों का पता लगाएं। केबल कार को माउंटेन तक ले जाएं। डब्रोवनिक का शानदार शहर, जिसे पल ऑफ द एड्रियाटिक कहा जाता है, आपको तलाशने के लिए कई दिलचस्प चीजें प्रदान करता है। डब्रोवनिक 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और पूरे वर्षों में वेनेटियन और हंगेरियन द्वारा शासित किया गया है। प्रत्येक ने अपनी मुहर छोड़ दी है। शानदार वास्तुकला और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वर्गीकरण के प्रमाण के रूप में शहर 15वीं और 16वीं शताब्दी में सबसे तेजी से विकसित हुआ। डलमेटियन तट पर अपने शानदार समुद्र तट स्थान के लिए लोकप्रिय, इसके विकासशील और ऐतिहासिक ओल्ड टाउन जिले के साथ डब्रोवनिक क्रोएशिया के कलात्मक और बौद्धिक अभिजात वर्ग का घर है और कई सांस्कृतिक गतिविधियों और त्योहारों की पेशकश करता है। डब्रोवनिक की पुरानी शहर की दीवारें शहर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक हैं। अब ब्लॉकबस्टर HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में अपनी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ये शक्तिशाली दीवारें 6 मीटर ऊंची और 6 मीटर मोटी तक 10वीं शताब्दी में बनाई गई थीं और 13वीं और 14वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रदान करने के लिए संशोधित की गई थीं। डब्रोवनिक की शहर की दीवारें, जो लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और पुराने शहर के केंद्र पर एड्रियाटिक और अंदर की ओर कई शानदार दृश्य देती हैं, एक आकस्मिक टहलने के लिए एक महान स्थल है। अपनी आकर्षक पुरानी सड़कों और गलियों के बारे में घूमना, इसके शानदार कैथेड्रल और खजाने जैसे अद्भुत स्थलों का दौरा करते हुए लंबा स्ट्रेडून पैदल मार्ग और इसके कई अच्छे पुराने महल और किलेबंदी एक यात्रा के मुख्य आकर्षण में से हैं। प्राचीन शहर की दीवारों के चारों ओर घूमना किसी भी यात्रा के सबसे यादगार पहलुओं में से एक है। शहर के प्रमुख आकर्षणों को देखने और इसके समृद्ध इतिहास को आत्मसात करने के लिए डब्रोवनिक में ठहरने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र केवल पैदल चलने वाले पुराने शहर के पास है। यदि आप अधिक शांत वातावरण पसंद करते हैं, तो ओल्ड टाउन के उत्तर पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लैपा प्रायद्वीप एक बढ़िया विकल्प है, जिसमें कई उच्च श्रेणी के होटल समुद्र के शानदार दृश्य पेश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।